महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जीशान ने कहा कि ये मेरे और परिवार के भावुक पल हैं। मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। सो आपने देखा, महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रे पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रे पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रे।